मैं इंजीनियर डीपी यादव, यूट्यूब चैनल अमित परिवार में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग वैद्युचालन पढ़ रहे थे बेटा, तो वैद्युचालन में अब हम लोग आगे चलेंगे। हम लोगों की बात जो है ऊर्जा पर समाप्त हुई थी कि यूनिट जो है वैद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक है, जिसे हम लोग किलोवाट घंटा भी कहते हैं। अर्थात एक यूनिट अथवा एक किलोवाट घंटा 3.6×10^6 जूल के बराबर होता है। पिछले दिनों ये सब बातें हो गई। और एक किलोवाट घंटा कहेंगे किसे बेटा, तो आप अगर एक किलोवाट का हीटर एक घंटा तक जलाते हैं तो वो जितना वैद्युत ऊर्जा कंज्यूम करेगा उसी को हम एक किलोवाट घंटा कहेंगे, और उसी का मान 3.6×10^6 जूल होता है, और उसी को एक यूनिट भी कहते हैं। ध्यान दें, एक यूनिट किसे कहेंगे, तो एक यूनिट एक किलोवाट घंटा को कहते हैं। एक किलोवाट घंटा का मतलब हुआ कि एक किलोवाट का हीटर या कोई भी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एक घंटे तक प्रयोग किया जाए तो वो जितना वैद्युत ऊर्जा कंज्यूम करेगा उसे एक यूनिट कहेंगे, और इसका मान जो है 3.6×10^6 जूल होता है। पिछले दिनों आपने देखा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाखों बार आपके कंपटीशन में जो है ये प्रश्न पूछा गया है। अब हम लोग जो है उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम लोग शक्ति पढ़ रहे थे, पावर, वैद्युत शक्ति यानी पावर हम लोगों की चल रही थी। तो वैद्युत शक्ति यानी पावर को P से डिनोट करते हैं, और आपने पढ़ा P=W/T। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, परिभाषा आप लोग जानते हैं बेटा। और कार्य को जूल में और बटे T को सेकेंड में, तो ये बराबर हो गया बेटा जूल प्रति सेकेंड, चलिए, और बराबर वाट। ये बातें हो गई हैं। अब W बराबर होता है बेटा FD, तो आप लिख सकते हैं FD/T, और W बराबर MgH भी होता है, तो आप वो भी लिखते हैं, और D/T बराबर V भी होता है, क्योंकि हम लोग चाल जानते हैं, चाल V=D/T भी होता है। चाल समय दूरी का है, बहुत हिट फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, या V=D/T, बहुत हिट फार्मूला है। अभी मैं बताऊंगा, मैथ भी आपको जब पढ़ाऊंगा कि चाल समय दूरी या रेल संबंधी प्रश्न, तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, और एक ही फार्मूले से मैक्सिमम आपका चैप्टर मैं कवर करूंगा, तो वो आप देखेंगे कितना इजी हो जाता है आपको। जो लोग ट्रिक के नाम पर इधर उधर बहुत बताते हैं अपनी ट्रिक, तो आप हर चैप्टर में कितनी ट्रिक याद रखेंगे। तो बेस फार्मूला, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप जो है मुँह जबानी, आपका ब्रेन जो है कैलकुलेट कर देगा और आंसर बता देगा कि इस विकल्प में यही आंसर सही है। तो हम लोग उसकी बातें बाद में करेंगे। V=D/T यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर भी आपका D/T है, तो इसको आप जो है यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो बराबर हो गया F/V, केवल इतना, V/T के जगह पर भी लिख दिया, तो ऐसे हो गया, क्लियर हो गया, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग जानते हैं कार्य अथवा ऊर्जा, कोई भी बेटा ध्यान से सुने, कोई भी कार्य कहिए चाहे ऊर्जा कहिए, जितनी भी ऊर्जा है, चाहे MgH है, स्थितिज ऊर्जा, चाहे गतिज ऊर्जा, चाहे ऊष्मा ऊर्जा I²R, चाहे जो भी है, वो सभी जो है आपस में बराबर हैं, एक ही हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि न ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और ना ही ऊर्जा का विनाश होता है, केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जैसे हम लोग पंखे में वैद्युत ऊर्जा डालते हैं तो हमें यांत्रिक ऊर्जा देता है, हीटर में वैद्युत प्रेस में हम लोग जो है वैद्युत ऊर्जा डालते हैं तो हमें ऊष्मा ऊर्जा देता है, इंजन में हम लोग डीजल या पेट्रोल जलाकर ऊष्मा ऊर्जा डालते हैं तो वो
हमें यांत्रिक ऊर्जा देता अथवा कार्य ऊर्जा देता। इस तरह से सारी एनर्जी आपस में बराबर है, कोई भी आप आंसर लगाइए एनर्जी के लिए, वो चाहे mgh लगाइए, चाहे हाफ mv स्क्वायर लगाइए, चाहे w बराबर fd लगाइए, चाहे w बराबर vq लगाइए, कुछ भी लगाइए, सारे के आंसर एक आएंगे। बस आपके प्रश्न के हिसाब से वो कौन सा फार्मूला वहाँ सुटेबल है, mgh सुटेबल है कि हाफ mv स्क्वायर सुटेबल है कि i² RT सुटेबल है, ये हमें देखने और सुनने और समझने की केवल थोड़ी सी समझ आ जाए तो सारे का आंसर चाहे जिस भी फार्मूले से लगाएंगे वो आंसर एक ही आएगा। तो हम लोग जो है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, W का मान यहाँ से फिर W बराबर हो गया mgh/T। ये फार्मूला बेटा हम इसलिए आपको बता रहे हैं, कभी कभी आपको देगा कि इतने ऊंचाई पर एक मोटर जो है इतने ऊंचाई पर इतने किलोग्राम पानी, जैसे एक हम लोग छत पर पानी चढ़ाते हैं और वहाँ से जो है दो तल्ले पर तीन तल्ले पर हम लोग अपनी टंकी रख देते हैं और फिर हमारा टुल्लू या मोटर जो है पानी चढ़ाता है, तो प्रश्न में आएगा कि इतने ऊंचाई पर इतने किलोग्राम पानी इतने सेकेंड में चढ़ाता है तो हमारे मोटर की क्षमता बताइए या हमारे मोटर की शक्ति बताइए। तो यहाँ से पावर P बराबर तब mgh/T का यही है कार्य W बराबर है, बराबर W बराबर vq भी होता है तो आप vq भी लिख सकते हैं, vq/T बराबर q बराबर it होता है तो बराबर आप vit भी लिख सकते हैं और बटे t, तो ये t से t कट जाएगा, देखिए यहाँ t से t कट जाएगा तो बराबर vi हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला हो गया, W के जगह पर ऐसा करने से बेटा पावर P बराबर जो है v×i हो गया, v×i बराबर हो जाएगा i²R बराबर हो जाएगा v²/R। ये सब आपको फार्मूला मैं दे रहा हूँ, जनरली लोग केवल यही फार्मूला बताते हैं पावर P बराबर vi बराबर i²R बराबर v²/R। अभी बहुत सारे फार्मूले मैं आपको दे सकता हूँ लेकिन यहाँ पर जो है केवल आप वैद्युत शक्ति के लिए ये फार्मूला पढ़ें। और ये भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मोस्टली लोग नहीं बताते हैं, तो इतना सारा फार्मूला मैंने आपके लिए लिखा और इसमें से जो भी आपको सूट करे वो आप जो है ये सूट करता है तो ये लगाइए mgh, vq सूट करता है तो vq/T लगाइए, vi सूट करता है, ये सब देख लें अलग अलग। हम लोग जानते हैं कि पावर P बराबर अभी आपने पढ़ा कि vq होता है ऊर्जा vq, कल हम लोगों ने पढ़ा कि W ऊर्जा W बराबर vq होता है, तो यहाँ पर पावर P बराबर W/T है तो W के जगह पर हम लोग vq रख सकते हैं और बटे T रख सकते हैं, बराबर देखेंगे Q बराबर it होता है तो vit और बटे में एक T ये है इससे कट गया तो P बराबर vi आ गया और V बराबर IR ओम के नियम के अनुसार, तो इस V के जगह पर हम लोग IR रख देंगे और एक I ये भी है × I तो बराबर हो जाता है i²R। इस तरह से ये फार्मूला बन गया। और अगर हम लोग I बराबर चलें बेटा, यहाँ से I बराबर चलें ओम के नियम के अनुसार, तो आप देखते हैं कि V बराबर IR होता है इसलिए I बराबर V/R हो जाएगा। तो इसी जगह अगर I का मान रख दें तो आप देखेंगे V है और × I के जगह पर V/R रख दें तो हो जाएगा V/R बराबर हो जाता है V²/R। तो ये देखिए ये फार्मूला V²/R, तो ये वैद्युत शक्ति के लिए ये सब फार्मूले आपको बताएं। और अब हम आगे चलते हैं, वैद्युत शक्ति को आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि यदि परिभाषित करें बेटा यहाँ से, तो आप कहेंगे एक सेकेंड में एक जूल कार्य हो, कार्य यानी ऊर्जा को जूल में व्यक्त करेंगे तो उस यंत्र की वैद्युत शक्ति एक वाट होगी। यहां से मात्रक भी देख लें, जूल प्रति सेकेंड, W को बेटा जूल में और समय को सेकेंड में, तो इसका मात्रक हो गया जूल प्रति सेकेंड।
जूल प्रति सेकेंड बराबर वाट, बराबर क्या हो गया वाट, इसी को वाट कहते हैं, जूल प्रति सेकेंड को ही वाट कहते हैं। तो यहाँ से अगर वाट की परिभाषा शक्ति का लिख लें, शक्ति का एस आई मात्रक बहुत इम्पोर्टेंट है, अतः बेटा शक्ति का एस आई मात्रक वाट है, एस आई मात्रक वाट हो गया। शक्ति का एस आई मात्रक वाट है, और वाट को ही हम लोग कहते हैं जूल प्रति सेकेंड। तो दोनों बातें बराबर हैं, एक जूल प्रति सेकेंड बराबर एक वाट। ये देखें, यहां से भी परिभाषा हम लोग ज्ञात करते हैं। परिभाषा बेटा आप लोग अपने आप ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए आपको बार बार मैं बताता हूं कि केवल हर कोई इकाई कर दें, चाहे साइंस में कहीं भी हर कोई इकाई कर दें, अपने आप जो है परिभाषा ज्ञात हो जाएगी। तो हर कोई इकाई यानी समय एक सेकेंड कर दें, तो एक सेकेंड में जो कार्य होगा वही शक्ति कहलाएगी। अथवा आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि एक सेकेंड में एक जूल कार्य हो तो यंत्र की शक्ति एक वाट होगी। वाट को परिभाषित करेंगे बेटा, देखिए ना, एक सेकेंड में एक जूल कार्य हो तो यंत्र की शक्ति एक वाट होगी। तो वाट को आप परिभाषित कर सकते हैं कि यदि एक सेकेंड में एक जूल कार्य हो तो यंत्र की शक्ति एक वाट होगी। वाट बेटा छोटा मात्रक है, तो हम लोग किलो वाट का भी प्रयोग करते हैं बड़ा मात्रक। तो एक किलो वाट बराबर 1000 वाट बराबर 10³ वाट, ऐसे ही 1 मेगावाट बराबर 10⁻⁶ वाट, चाहे एक के आगे 6 जीरो कर लेंगे इतना वाट हो जाएगा। तो ये बड़े मात्रक हैं। उसके बाद आपको बताया गया था कि हम लोग हार्स पावर का, ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल में हार्स पावर का भी शक्ति को हार्स पावर में व्यक्त करते हैं, और हार्स पावर ब्रिटिश में भी है और मैट्रिक में भी है। तो लिख लें, शक्ति का मात्रक हार्स पावर भी है, एसआई मात्रक केवल वाट है, और वैसे एचपी हार्स पावर या अश्व, वैसे अश्व शक्ति बड़ा मात्रक है। तो हो गया बेटा, शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, वैसे एचपी या अश्व शक्ति बड़ा मात्रक है। तो हम लोग हार्स पावर का भी प्रयोग करते हैं शक्ति को व्यक्त करने में। तो 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ये बेटा ब्रिटिश में है, ब्रिटिश सिस्टम में है, ब्रिटिश सिस्टम में है, जबकि 1 HP बराबर 735.5 वाट ये मैट्रिक में है, ये मैट्रिक सिस्टम में है। ऐसे ही 1 हार्स पावर बराबर 1 HP बराबर 75 kg/s होता है, ये भी मैट्रिक में है। ऐसे ही 1 HP बराबर
किलोग्राम, मीटर प्रति मिनट होता है। ऐसे ही एफपीएस में चलेंगे तो 1 HP बराबर 550 फुट पाउंड प्रति सेकेंड होता है। ऐसे ही चलेंगे तो 1 HP बराबर 33,000 फुट पाउंड प्रति मिनट, ये मिनट में हो जाएगा, ध्यान दें। तो इस तरह से बेटा ये सारी बातें आपको लिखाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो है आपके RRB चंडीगढ़ में और RRB गोरखपुर में ये पूछा है कि 1 HP बराबर कितने फुट पाउंड प्रति मिनट होता है, दे दिया 3,330, 33,000। तो इस तरह से 33,000 फुट पाउंड प्रति मिनट होता है। आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, इधर से हम लोग देखें कि 1 HP बराबर 550 फुट पाउंड प्रति सेकंड है, 1 HP बराबर 550 फुट पाउंड प्रति सेकंड है। अब इसी सेकंड को बेटा यदि हम लोग मिनट में कन्वर्ट करें, यहाँ पर आंसर मिनट में है तो इसमें 60 से भाग हो जाएगा, और 60 से भाग देंगे तो गुणा करेंगे तो भिन्न पलट कर ऊपर चला जाएगा, और ये बन गया आप सेकंड से मिनट। ये क्या बन जाएगा, सेकेंड से ये मिनट बन गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट है बेटा, तो इसलिए 1 सेकेंड बराबर हो जाएगा 1/60 मिनट। तो इस तरह से एक सूत्र बन जाता है कि अगर सेकेंड को मिनट में बदलना है तो 60 से भाग देना। देखिए 60 बटे में आ गया और आंसर अब मिनट में आ गया। 1 सेकेंड के जगह पर अगर 1 में 60 से भाग दे दें तो आंसर मिनट में आ जाएगा। तो वहीं 60 से यहाँ भाग दे दिया गया 1 सेकेंड में, तो इस तरह से ये हमारा मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पलट कर 60 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो अब यही जो है मिनट बन जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा आपका, आपने देखा फुट पाउंड प्रति सेकेंड है, इसमें 60 से भाग दे देंगे, ये बन जाएगा अब मिनट में कन्वर्ट हो गया। ऐसे अब आपका मिनट में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से 1 सेकेंड है तो यहाँ पर 1 रख देंगे, सेकेंड न लिख के अब 1 सेकेंड लिख दे रहे हैं। ऐसे हो गया 1/60 और ये कन्वर्ट हो गया मिनट में। अब पलट कर 60 ऊपर चला जाएगा तो यही हो जाएगा 550 × 60 फुट पाउंड प्रति मिनट, मिनट बटे में है तो प्रति मिनट। 6 से गुणा कर दें बेटा तो 10 ये ऑलरेडी है, ये 0 आ गया, 6×5=30 के ये 0 आ गया, 3×6=30, 3×3=33 तो ये आ गया। इतना हो गया फुट, यही लिखा हुआ फुट पाउंड प्रति मिनट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई आपके कंपटीशन में, अभी आपको बताया कि चंडीगढ़ RRB चंडीगढ़, RRB आपके गोरखपुर में, ये कई बार ये प्रश्न जो है पूछा गया है। वैसे इम्पॉर्टेंट तो सब है, खाली इतना भी पूछता है कि SI मात्रक क्या है, तो शक्ति का SI मात्रक भी कई बार पूछा गया आपके कंपटीशन में बेटा। तो शक्ति का SI मात्रक विकल्प दे देगा, अश्व शक्ति है, किलोवाट है, और फुट पाउंड है, फिर एक दे देगा वाट। तो शक्ति का SI मात्रक वाट है, और ये सब बड़े मात्रक हैं, इनका हम लोग मेगावाट, किलोवाट और हार्स पावर का, इन सब का प्रयोग करते हैं। 1 हार्स पावर बराबर 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये भी आप नोट करें बेटा, जल्दी लोग बताते नहीं हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो
अब देखा ना कि अभी आपने लिखा कि 1 HP बराबर 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है बेटा। अगर इसी सेकेंड को फिर मिनट में यदि कन्वर्ट करें तो यहाँ पर 60 से भाग देना होगा, तो जब 60 से भाग देंगे तो वो पलट कर, चूंकि ये हर में है बटे में है, इसलिए 60 फिर अंश में आ जाएगा, तो हो जाएगा 75 × 60 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति मिनट। क्या हो जाएगा? प्रति मिनट। अब 60 से अगर गुणा करें बेटा इसमें, तो देखें ये 0 × 6 = 5 = 30 के सुन्ना हाथ में लगा 1, और 6 × 7 = 42 और 3 = 45। तो इस तरह से हो गया 4500 किलोग्राम मीटर प्रति मिनट। तो 1 हॉर्स पावर बेटा इतने किलोग्राम मीटर प्रति मिनट। तो ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि 1 HP में कितने किलोग्राम मीटर प्रति मिनट होते हैं, अथवा कितने किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। तो 1 HP बराबर 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता, अथवा 4500 किलोग्राम मीटर प्रति मिनट हो। तो जहाँ पर प्रश्न बेटा आएगा कि इतने किलोग्राम मीटर प्रति मिनट, ये कार्य है बेटा, ये कार्य का मात्रक है, और बटे में ये मिनट जो है वो समय का मात्रक है, और कार्य बटे समय को ही शक्ति कहते हैं, हार्स पावर कहेंगे एक तरह से, हार्स पावर। तो इस तरह से यदि हमारी शक्ति जो है किलोग्राम मीटर प्रति मिनट में ऐसे दिया हुआ है, हार्स पावर में पूछ रहा है, तो उसमें हम 4500 से भाग दे देंगे, या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड में दिया है तो वहाँ 75 से भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड से बदल कर हार्स पावर अथवा HP में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब बातें हम लोग आगे अभी करेंगे, अभी केवल इतना आप फार्मूला जानते रहेंगे तो आपका सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर किसी भी प्रकार के आप प्रश्न हैं उसे हल कर सकते हैं, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, बल्ब का वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं, बल्ब की धारा ज्ञात कर सकते हैं, बल्ब का रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं, कोई मोटर कितने हाइट तक कितने किलोग्राम कितना द्रव्यमान पानी या तेल उठाएगी और कितने सेकेंड में उठाएगी, ये सारी बातें, या ये सब दिया हुआ है तो उसकी शक्ति कितने वाट है, या ये कितने वाट है, अथवा कितने जूल प्रति सेकेंड वो वैद्युत ऊर्जा कंज्यूम कर रही है मोटर, ये सारे आंसर आप फटाफट मुँह जबानी दे सकते हैं। अब हम लोग आगे इस पर और क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं। तो आप लीजिए, जैसे आपसे कहा जाए कि 100 वाट का बल्ब है, जैसे बेटा आपसे कहा जाए कि 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध कामा बेटा शक्ति कामा प्रति सेकेंड किया गया कार्य ली गई धारा ज्ञात कीजिए या बताइए। अब आप देखिए कि आप अपने आप सक्षम हो जाएंगे आंसर देने में। 100 वाट, वाट जो है बेटा शक्ति का एसआई मात्रक है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट है पावर की। तो कह रहा है 100 वाट का बल्ब है तो उसकी शक्ति बताइए, तो शक्ति ऑलरेडी हो गई 100 वाट। तो एक आंसर तो यही आप लिखे देंगे, पहला आंसर हो गया कि बल्ब की शक्ति ऑलरेडी आपके प्रश्न में ही दिया है, बल्ब की शक्ति 100 वाट है। कोई डाउट? बल्ब की शक्ति बेटा 100 वाट है। दूसरा आंसर आप देखें, कह रहा है प्रति सेकेंड, यही बहुत पूछता है कि 60 वाट का बल्ब प्रति सेकेंड कितने जूल कार्य कर रहा है।
तो लड़के शांत हो जाते हैं, आंसर नहीं दे पाते हैं, चुप हो जाते हैं। देखिए ना बेटा, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड है, वैसे ही अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ कि 100 वाट बराबर क्या होगा, तो ऐसे हो जाएगा 100 वाट बराबर 100 जूल प्रति सेकेंड, 100 जूल प्रति सेकेंड। ध्यान दें, आपने अभी पढ़ा कि 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड है, वैसे ही 100 वाट बराबर तब हो जाएगा 100 जूल प्रति सेकेंड, यानी वह बल्ब, 100 वाट वाला बल्ब 100 जूल ऊर्जा प्रति सेकेंड खर्च कर रहा अथवा कार्य कर रहा है। तो सीधा आंसर हो गया कि 100 जूल प्रति सेकेंड बेटा कार्य कर रहा है, कार्य ही ऊर्जा है तो कार्य कर रहा है, ये दूसरा आपका आंसर हो गया, कार्य कर रहा है। अथवा कोई लड़का कहेगा कि इतनी ऊर्जा, इतनी यानी अथवा 100 जूल, 100 जूल वैद्युत ऊर्जा प्रति सेकेंड खर्च कर रहा है या प्रयुक्त कर रहा है या ले रहा है, जो भी आप कहें। अमूमन यही कार्य पूछता है तो बच्चे घबरा जाते हैं कि कार्य पूछ रहा है, बल्ब का कार्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो वाट सीधे आपके प्रश्न में ही दिया, 100 वाट बराबर 100 जूल प्रति सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड वह 100 जूल वैद्युत ऊर्जा खर्च कर रहा है, आपके बोर्ड से ले रहा है, अथवा 100 जूल वो जो है कार्य कर रहा है, यही ऊर्जा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि उसका प्रतिरोध ज्ञात करिए। अमूमन हम लोग जानते हैं बेटा कि बल्ब जितने भी हम लोगों के घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट पर आती है, तो जितने भी हमारे बल्ब हैं या इंस्ट्रूमेंट हैं वो 220 वोल्ट से 230 वोल्ट के बीच डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन सप्लाई जो बेसिकली है वो 220 वोल्ट ही है, तो हम लोग सारी गणना 220 वोल्ट पर करते हैं। तो अगर 220 वोल्ट की घर में सप्लाई है, इसको आप जानते रहिए, तो 220 वोल्ट और शक्ति जो है 100 वाट है, तो हम लोग एक फार्मूला ये लगाएंगे, पावर पी बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर, ये वाला फार्मूला लगा दें बेटा, पावर पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर। तो वी का मान 220 रख देंगे, आर का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलते हैं, हम लोग इसको मिटा देते हैं और फिर जो है इसका अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इस बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए बेटा। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये प्रतिरोध ज्ञात करना, तो हम लोग लिखे हैं कि हम जानते हैं पावर पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर से लिख लेंगे, खटाक दे, और उसके बाद पावर के जगह पर 100 वाट दिया है बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 वाट, पावर बेटा 100 वाट लिखेंगे, बराबर वी का मान 220 गुड़े 220, वी स्क्वायर है बेटा तो दो बार गुणा हो जाएगा ऐसे, और बटे में आर, यहाँ से आर का पक्षांतर करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 220 गुड़े 220 बटे बेटा, यहाँ 100 आ जाएगा बटे में, ये देखिए ये 0 और ये 0 कट गया। अगली लाइन में हो गया 22 दूना 44, तो हो गया 484। देख लीजिए 22 दूना 44 के 4 हाथ में लगा 4, फिर 22 दूना 44 और 4 48। तो इस तरह से बेटा यही आपका आंसर है और यही फैक्ट है, यही सत्य भी है कि 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध कंपनी 484 ओम का उसमें फिलामेंट में, जो ये आपका बल्ब होता है बेटा, ये जो बल्ब है ये हमारा जो ऐसे हम लोग बल्ब बनाते हैं, तो इस बल्ब में यहाँ से आप देखेंगे ऐसे ऐसे, और ये जो है ऐसे ऐसे ये फिलामेंट लगा होता है, तो इसी फिलामेंट का रेजिस्टेंस जो है, इस फिलामेंट का रेजिस्टेंस कंपनी 484 ओम का जब इसमें डालेगी,
484 ओम का डालेगी, तब वो दावा करेगी कि ये बल्ब हमारा जो है ये 100 वाट का है, यानी 100 वाट और 220 वोल्ट। ये यहाँ पर कांच पर लिखा रहता है कि 100 वाट 220 वोल्ट। 100 वाट का मतलब 100 जूल प्रति सेकंड वो ऊर्जा कंज्यूम करेगा, हर सेकंड 100 जूल वैद्युत ऊर्जा कंज्यूम करेगा, या उसकी पावर 100 वाट होगी, और ऐसा 220 वोल्ट पर होगा। 220 वोल्ट से कम देंगे तो इसकी शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं, आप ऑलरेडी प्रैक्टिकली देखते हैं, जैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, ज़्यादा चमकने लगेगा, और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये फ्यूज़ हो जाएगा, और जैसे ही आपका वोल्टेज कम होता है बेटा, बल्ब आपका डीम हो जाता है, यानी उसकी शक्ति जो है धीमी पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। तो 220 वोल्ट पर ये बल्ब डिजाइन किए जाते हैं, सप्लाई हमारी 220 वोल्ट ही है, इसलिए 220 वोल्ट पर कंपनी जो है 484 ओम का उसमें फिलामेंट का प्रतिरोध रखती है, तब वो दावा करती है कि ये बल्ब हमारा 100 वाट का है अथवा 100 जूल प्रति सेकंड वैद्युत ऊर्जा कंज्यूम करेगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये आंसर आ गया प्रतिरोध का भी, कि ये कितना इसका रेजिस्टेंस है बेटा, तो 484 ओम है। अगला अगर धारा पूछता है तो हम लोग कोई भी फार्मूला लगा दें, पावर पी बराबर वी आई अथवा आई स्क्वायर आर बेटा, कुछ भी लगा दें तो हमें धारा का मान भी ज्ञात हो जाएगा कि 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट पर कितनी धारा लेगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग जो है इसी का पार्ट जो है वो अगला देख लेते हैं कि धारा का मान कितना होगा। तो धारा हम लोग कोई भी फार्मूला लगा दें, पावर पी बराबर वी आई ही लगा दें, तो पावर पी बराबर भी गुड़े आई, और पावर का मान बेटा 100 वाट दिया, तो यहाँ लिखेंगे 100 बराबर 220 गुड़े आई। ठीक, वोल्टेज का मान 220 है, इसलिए आई बराबर हो गया बेटा, आई बराबर तो लिखेंगे 100 बटे 220, ये कट गया बेटा, और अब हम लोग भाग देंगे, भाग नहीं जाएगी, चार बार भाग जाएगी अगर दशमलव लगा दें तो, 22 चौक 88, फिर 12 आ गया 120, फिर ऐसे 0.49 एम्पियर आएगा, या 0.4 समथिंग एम्पियर, तो आई का मान इतना एम्पियर हो गया, ये हम लोगों का आंसर हो गया। बेस चाहे जिससे आप लगाइए, आई स्क्वायर आर से लगाइए, किसी से भी लगाइए, आपका जो है आ जाएगा। चाहे आप आई स्क्वायर आर से कोई भी बच्चा लगाना चाहे तो आई स्क्वायर आर से भी लगा सकता है, पावर पी बराबर आई स्क्वायर आर, ए वाला फार्मूला लगा दें, आई स्क्वायर आर बेटा। अब पावर का मान 100 है और आई का मान हमें ज्ञात करना है, और गुड़े आर का मान अभी आपने ज्ञात किया 484 ओम है, तो यहाँ पर बेटा R का मान 484 रख देंगे, इसलिए I स्क्वायर बराबर अगली लाइन में हो जाएगा 100 बटे 484, 100 बटे 484, इसलिए अगली लाइन में हो जाएगा I बराबर, इधर की राशि पर कर्णी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100 बटे 484। फिर इसे सरल करेंगे तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, और 484 का वर्गमूल करीब जो है वो 22 के करीब आएगा, 22 हम 484, तो फिर आ जाएगा, तो वर्गमूल आ गया बेटा, तो आपका आ गया 10 बटे 22 बराबर आई। फिर वही चीज आ गया, देखिए यहाँ भी 10 बटे 22 आया, और इसका मान लगभग वही आ जाएगा, 0.49 ऐसे समथिंग आ जाएगा, इतना एम्पियर आंसर, ऐसे हो गया, यही हो गया आंसर। तो किसी भी फार्मूले से लगाइए, तो ऐसे बेटा 100 वाट के बल्ब का, 60 वाट के बल्ब का, आप कुछ भी जो है उसका रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं, प्रति सेकंड किया गया कार्य ज्ञात कर सकते हैं, धारा ज्ञात कर सकते हैं, आप ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। अब हम लोग इस पर और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है,
एक क्वेश्चन है, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो तार में प्रवाहित धारा का मान बताइए। तो हम लोग जानते हैं बेटा, धारा I बराबर क्यू बाई टी 1 मिनट में, तो I का मान ही पूछ रहा है। इस फार्मूले से Q का मान 30 कूलाम है, तो यहाँ 30 रख देंगे Q का मान, बटे समय का मान 1 मिनट दिया बेटा, लेकिन टाइम जो है MKS पद्धति में सेकेंड में लेते हैं, हमेशा सेकेंड में लेंगे, तो 1 मिनट को आप लिख सकते हैं 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो यहाँ पर आप 60 सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो ये बटे में हो गया 60, बराबर हो गया 1/2, बराबर हो गया 0.5 एम्पियर, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन अमूमन आपके कंपटीशन में पूछा जाता है, तो इतना एम्पियर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन अब देखें, कोई डाउट हो, एकदम क्लियर है। अगला है, यदि हीटर की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमूमन वाइवा वगैरह में भी पूछ लिया जाता है आपसे इंटरव्यू वगैरह में, कि यदि हीटर की क्वाइल को काट कर आधा कर दिया जाए और आधे क्वाइल को ही हीटर में प्रयोग करें तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो बेटा देखिए, उत्पन्न ऊष्मा जस्ट 2 गुनी हो जाएगी। ये न सोचिए कि उत्पन्न ऊष्मा आधी होगी, बल्कि 2 गुनी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमूमन पूछा जाता है, क्योंकि आप जब क्वाइल को आधा कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी पहले की अपेक्षा आधा हो जाएगा। तो पहले पावर, यदि बेटा यदि पहले पावर आपके जो है क्वाइल की पावर या हीटर की पावर पी बराबर आप वी आई से ही देखें, या आई स्क्वायर आर से देखें, या पावर पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर से देखें, किसी से भी देखें, तो पहले जो है वोल्टेज तो आपके घर में 220 आ रहा है, तो 220 ही रहेगा। तो ये आपका इस फार्मूला एक हो गया। और अब अगर मान लीजिए कि आप अगली पावर आपकी बदल रही है, तो वो पावर पी डैश बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बटे आर बटे 2, प्रतिरोध आधा हो जाएगा। आप जानते हैं कि आर समान अनुपात यल है, तो अगर बेटा ये आपकी क्वायल है, फिलामेंट आपका ये है, ऐसे क्वायल आपने लगाया है, और इसका प्रतिरोध पूरा जो है, पूरा प्रतिरोध आर ओम है, आर ओम है, यहाँ से यहाँ तक का इसका प्रतिरोध आर ओम है। अब यदि इसको बीचों बीच से काट दें, बीचों बीच से काट दें, तो इधर का भी प्रतिरोध आर बटे 2 हो जाएगा, और इस लंबाई का भी प्रतिरोध तब आर बटे 2 ओम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? प्रतिरोध जो है बेटा वो लंबाई के समान अनुपाती है, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा, लंबाई आधी हो जाएगी तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा, सीधा सा। तो इस तरह से हमारी अगर लंबाई, कह रहा है प्रश्न में कि हीटर क्वाइल को काट दिया जाए, तो अगर लंबाई आधा होगी, प्रोपोर्शनल टू एल है बेटा रेजिस्टेंस, आप देखें, तो यदि लंबाई आधा कर देंगे प्रतिरोध आधा हो जाएगा, लंबाई 2 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध, क्योंकि एक दूसरे के समान अनुपाती हैं, जिस रेशियो में लंबाई बढ़ेगी उसी रेशियो में प्रतिरोध भी बढ़ता है। क्योंकि आप पढ़े हैं फार्मूला, पूरा फार्मूला है आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो इस फार्मूले से ही आर समान अनुपात एल है, तो लंबाई आपने काट कर आधा कर दिया तो रेजिस्टेंस भी अब आधा हो जाएगा, और कह रहे हैं आधे क्वाइल का प्रयोग कर रहे हैं, तो अब पहले रेजिस्टेंस कैपिटल आर ओम था, अब हो जाएगा कैपिटल आर बटे 2। तो नई पावर जो हो जाएगी बेटा वो हमें नहीं मालूम है, तो नई पावर को पी डैश मान लिया, वोल्टेज वहीं 220 से ही उसे कनेक्ट करेंगे, और प्रतिरोध पहले की अपेक्षा आधा हो जाएगा, तो आर बटे 2 हो गया। अब यही बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर, और आर ऐसे ही रहेगा बेटा, और बटे में जो 2 है वो पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2V² / R। अब आप देखेंगे कि V² / R पहले समीकरण से देखें तो उसी का मान
पावर पी बराबर है, तो अगर हम वी स्क्वायर बटे आर के जगह पर पी रखें इस फार्मूले में, देखिए यहाँ पर फार्मूले में, तो बराबर हो जाएगा 2p। नंबर एक वाले इक्वेशन से देखें, यदि वी स्क्वायर बटे आर के जगह पर हम पी लिख सकते हैं, तो यहाँ वी स्क्वायर बटे आर आ गया, इसके जगह पर पी रख देंगे। पहले पावर पी थी, अब पावर 2p हो गई, यानी अब आपके हीटर की क्षमता जो है वो दो गुनी हो जाएगी। इस तरह से नई पावर पी डैश बराबर 2p, अथवा ये कहेंगे ये पी जो है बेटा पहले की पावर है और उसमें 2 से गुणा हो गया, तो आप कहेंगे कि अब पावर पहले से दो गुनी हो जाएगी, अर्थात वो पहले से 2 गुना उष्मा देगा। यदि पहले कोई भी चाय या दूध जो है 10 मिनट में उबल रहा था, तो अब उसकी उष्मा या पावर 2 गुना होने से अब वो 5 मिनट में ही आपका पदार्थ उबल जाएगा, जो भी चाय है अथवा दूध है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा। एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, तो उसके प्रतिरोध में वृद्धि की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं संरचना के आधार पर रेजिस्टेंस R बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए, ये एरिया है। और अब हमें नहीं मालूम है कि नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो उसे मान लेंगे कि माना R डैश हो जाएगा, माना नया प्रतिरोध, नया प्रतिरोध R डैश हो जाएगा और लंबाई L डैश हो जाएगी, L डैश तथा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए डैश हो जाएगी, मान लेंगे बेटा। तब ये आपका समीकरण नंबर एक हो गया बेटा, और तब हो जाएगा आर डैश बराबर रो इंटू यल डैश अपॉन ए डैश, देख लें ऐसे हो जाएगा। ये रो के विषय में हम लोग जानते हैं बेटा कि ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, इसका मान तार के लंबाई पर मोटाई पर निर्भर नहीं करता है, केवल ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा या घटाने पर घटता है। तो ये वैसे कांस्टेंट है, स्थिरांक है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। तो इस तरह से खींच कर लंबाई बढ़ाएंगे तो ये जस का तस रहेगा, इसलिए रो यहाँ भी प्रयोग है और रो का प्रयोग यहाँ भी है। तो इस तरह से ये हो गया आपका समीकरण नंबर दो बेटा, और एक और दो से हल करें तो हो जाएगा आर डैश बटे आर बराबर, ये देखिए रो से रो कट जाएगा और हो जाएगा यल डैश बटे ए डैश, और फिर ये इसके बटे में आ जाएगा यल बटे ए, ये पलट जाएगा बेटा अगली लाइन में, तो बराबर हो जाएगा यल डैश बटे ए डैश, और इसे भाग न देकर ऊपर ले जाएं गुणा करें तो हो जाएगा ए बटे यल, ऐसे हो जाएगा। अब देखें यल डैश गुड़े ए और ए डैश गुड़े एल हो गया, इसको हम लोग अलग अलग लिख दें तो बराबर हो जाएगा यल डैश बटे यल, ये एल बटा इसके नीचे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, गुड़े हो जाएगा ए बटे ए डैश, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि आयतन तो जस का तस रहेगा, तार को आप कितना हो आप खींच कर लंबा करें या उसे मोटा कर दें, इसमें जितना मटेरियल पहले से लगा हुआ मटेरियल उतने रहेगा, इसलिए पहले का आयतन बराबर बाद का आयतन
तो मैं तार का पहले का आयतन, पहले का आयतन बेटा बराबर बाद का आयतन होता है, बाद का आयतन ऐसे होगा, क्योंकि मटेरियल जो भी तार का है वो जस का तस है, तो जितना आयतन पहले था उतने आयतन अब भी होगा। तो पहले का आयतन बराबर जो है लंबाई गुणे, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि आयतन बराबर लंबाई, आयतन बराबर इधर लिख दे रहा हूँ, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है बेटा, अथवा लंबाई गुणे चौड़ाई को क्षेत्रफल कहते हैं, तो ये होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर ऊंचाई से गुणा कर दें तो भी हमारा आयतन ज्ञात हो जाता है। देख लें ध्यान से, लंबाई गुणे चौड़ाई के जगह पर हम क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो इस तरह से पहले का आयतन हो गया बेटा क्षेत्रफल एरिया ए है, और गुणे उसकी लंबाई जो है एल है, और बाद का जो है क्षेत्रफल ए डैस है, ये माने हैं कि उसका लंबाई एल डैस है और क्षेत्रफल जो है ए डैस है, तो ए डैस गुणे एल डैस। अब यहाँ से हम लोग लिखें तो हो जाएगा ए बटे ए डैस, अगर हम लोग पक्षांतर करें बेटा तो देखिए ए यहीं रहने दीजिए, इस ए डैस को इधर ले आएंगे तो बराबर हो जाएगा एल डैस बटे एल। देखिए ना, ये एल डैस यहीं रहेगा, ये एल बटे में चला जाएगा, तो ये आ गया हमारा। अब यही मान जो है हम यहाँ पर अगर पुटअप कर दें तो यही हो जाएगा हमारा आर डैस, यही मान पुटअप कर दें बेटा, इसका मान यहाँ से पुटअप कर दें तो यही हो जाएगा अगली लाइन में आर डैस बटे आर बराबर हो जाएगा एल डैस बटे एल गुड़े बेटा, इसका मान यहाँ से पुटअप कर दें तो हो जाएगा एल डैस बटे एल बराबर हो जाएगा एल डैस स्क्वायर बटे एल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अथवा आप इसी को लिख सकते हैं एल डैस बटे एल का होल स्क्वायर। अब बेटा हम लोग जानते हैं कि पहले लंबाई 100% थी, कोई भी वस्तु अपने में 100% होती है और उसमें 10% की वृद्धि कर देंगे तो नई लंबाई 110 हो जाएगी। जाहिर सी बात है, पहले लंबाई यदि 100 मीटर थी और उसमें 10% 10% प्रतिशत, प्रति माने एक, सत माने 100, यानी 100 में जितनी लंबाई बढ़ा दी जाती है उसी को प्रतिशत लंबाई कहते हैं। तो इस तरह से बेटा 100 मीटर में 10 मीटर लंबाई बढ़ा दी जाएगी तो उसी को कहेंगे 10%, तो 100 और 10 मिलकर हो गया 110 मीटर। तो इस तरह से यल डैश का मान है 110 मीटर, तो ये मान अगर हम लोग पुटअप करें बेटा तो हो गया 110 और बटे प्रारंभिक लंबाई, अभी आपको बताया कि वो 100 रहेगी और उसी में 10% की वृद्धि हो रही है तो 110 हो गई। तो प्रारंभिक लंबाई एल का मान बेटा 100 हो गया, इसका वर्ग करेंगे तो बराबर 11 गैरियम 121 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 121 के आगे 00 ऐसे लिख देंगे, और बटे हो जाएगा 100 का वर्ग करेंगे तो इसके आगे 4 जीरो लग जाएगा, ये जीरो इससे कट गया, बराबर हो गया 121 बटे 100, 121 बटे 100 बेटा। अब प्रारंभिक लंबाई 100 है और उसमें वृद्धि हो गई, 121 का मतलब 21 का, तो जो 100 में वृद्धि होती है उसी को प्रतिशत लंबाई कहते हैं, तो बराबर हो गया 21%। प्रतिशत, प्रति माने एक, सत माने 100, 100 में जो कमी या वृद्धि होती है उसी को प्रतिशत कहते हैं। तो लंबाई बेटा 100 थी, अब बदल कर नई लंबाई एल डैस का मान या वो हो गया 121, यानी 100 से कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया, तो इस तरह से 21%। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर डैस यानी नए प्रतिरोध में, ये आर बेटा ऊपर है और ये हर नीचे है, तो
नया प्रतिरोध आर डैश समान अनुपाते आ गया बेटा यल डैश बटे यल के, और इसका मान आ गया 121/100। तो पहले वाला प्रतिरोध बेटा 100% रहेगा और नया वाला आर डैश जो है वो 121 हो गया, तो 100 में कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया, और 100 में जो वृद्धि होती है उसी को प्रतिशत वृद्धि कहते हैं। इस तरह से प्रतिरोध उसका 21% बढ़ जाएगा। और वैसे जो है फार्मूला हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुड़े वाई बटे 100 से भी लगाते हैं, तो एक्स प्लस वाई एक कोष्ट में प्लस एक्स गुड़े वाई बटे 100 से आप एक ट्रिक के तहत भी लगा सकते हैं। तो एक्स का मान दिया 10% बढ़ा रहे हैं बेटा, तो तार को खींचकर उसकी लंबाई बेटा 10% बढ़ा रहे हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया भी उसी हिसाब से पतली और मोटी होगी जब तार को खींचेंगे लंबाई में। तो इस तरह से हम लोग अगर लंबाई में और चौड़ाई में ऐसे वृद्धि और कमी होती है, या जहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी होती है, तो वहाँ पर ये फार्मूला लगाते हैं। तो दोनों का मान अगर 10-10 रखेंगे तो 10+10% प्लस 10×10 बटे 100 ऐसे कर देंगे बेटा, ये 10+10 20 हो जाएगा, और प्लस ये 10×100 1 हो जाएगा, सीधे आंसर आ जाएगा 21%। ऐसे एक फार्मूला है, इस फार्मूले में रखते हैं, ये फार्मूला अभी और आगे चर्चा करेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ बेटा, हमारा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लें। किसी तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? बेटा अगर व्यास आधा कर दिया जाए तो त्रिज्या भी आधी होगी। व्यास आधा तो त्रिज्या भी आधी होगी। नोट करें, बहुत अच्छी पॉइंट है। अब हम लोग जानते हैं बेटा कि तार तो वही है, तार बेलनाकार है और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जितना पहले आयतन था उतने बाद में भी आयतन है। पहले मान लिया कि पहले उसकी लंबाई जो है माना पहले लंबाई यल थी, नई लंबाई बराबर यल डैश हो गया, पहले त्रिज्या बेटा आर थी, नई त्रिज्या आर बटे 2 हो जाएगी, व्यास आधा तो त्रिज्या भी आएगी, तो त्रिज्या भी R/2 हो जाएगी। इस तरह से अब हम लोग देखेंगे कि पहले का आयतन और बाद का आयतन सेम होगा, क्योंकि मटेरियल जो है हमारे उस तार का सेम है, जितना पहले मटेरियल लगा हुआ था उतने अब भी मटेरियल लगा हुआ है। इस तरह से हम लोग कहेंगे पहले का आयतन बराबर बाद का आयतन, तो पहले आयतन बराबर बाद का आयतन, पहले आयतन के लिए बेलन का आयतन, तार बेटा हमारा बेलनाकार होता है, ऐसे तार हमारा होता है बेलनाकार जिसका कि ये मुंह होता है ऐसे, इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, ये एक तरह से बेलनाकार हो गया, इसकी यही त्रिज्या आर है और ये लंबाई जो है पहले जो है यल है बेटा, और इसे जब खींच दिया जाता है, खींच कर बढ़ा दिया जाता है, तो ये लंबाई मान लेते हैं एल डैश हो जाती है, तो नई लंबाई एल डैश हो जाती है, ये मान लिया गया, लेकिन आयतन उतना रहेगा जितना इसमें पहले आयतन है इस तार का,
उतने बाद में भी इस तार का आयतन होगा, तो हम लोग लिखेंगे पहले का आयतन या पहले आयतन, पहले का आयतन बराबर बाद का आयतन, और पहले आयतन है बेटा पाई आर स्क्वायर एल, त्रिज्या आर है, यहाँ पर चाहे स्मॉल आर लिख लें, त्रिज्या आर है बेटा, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है फार्मूला, एच का मान यहाँ पर एल है तो एल लिख देंगे, और बराबर बाद का आयतन तो पाई आर बटे दो, नई त्रिज्या आधी हो गई है प्रश्नानुसार, और इसका वर्ग गुणे एल डैश, नई लंबाई खींचने पर बढ़ाकर एल डैश हो गई। इस तरह से बेटा दोनों पक्षों से पाई पाई हटा देंगे। अब आप देखेंगे कि एल डैश यहीं रहने दें, एल डैश को यहीं रहने दें, इसको खोल दें बेटा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर एल बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर बटे चार, आर का वर्ग हो जाएगा नीचे दो का वर्ग चार गुड़े एल डैश हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे यहीं एल डैश रहने दें, एल डैश बटे एल, ये एल इधर आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से देखें दोनों पक्षों से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो हो गया चार एक हम चार बटे एक, ऐसे हो गया, क्लियर। ये एल इधर चला गया भाग में बेटा, और यहाँ से एल कैंसिल हो गया तो यहाँ एक बच जाएगा, ठीक है ना, एक चौक के चार हो जाएगा। तो कोई भी संख्या चाहे चार लिखिए अथवा चार बटे एक लिखिए, पाँच लिखिए अथवा पाँच बटे एक लिखिए, क्लियर है कि नहीं। चार से इधर भाग है इधर ले आएंगे तो गुणा हो जाएगा, तो ये एल का यहाँ गुणा है यहाँ एल का भाग हो जाएगा, एल डैश ऐसे उतार दिया और इस एल को इधर ले आया तो भाग हो गया, बराबर हो गया चार एक एम चार, तो चार बटे एक लिख दिया। अब तिरय गुणा कर देंगे बेटा, ऐसे तिरय गुणा कर देंगे तो आप देखेंगे हो गया एल डैश बराबर 4L, यानी लंबाई पहले की चार गुनी हो जाएगी, ये बता रहा है। नई लंबाई जो L डैश है इसका मान आ गया प्रारंभिक लंबाई L का चार गुना हो जाएगी। अब हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो इस तरह से पहले हमारा रेजिस्टेंस R बराबर रो इंटू एल बाई ए था, या L बटे पाई आर स्क्वायर था, इतना था बेटा, और अब जो है ये समीकरण नंबर ए हो गया। नया प्रतिरोध हमें नहीं मालूम है, नया प्रतिरोध R डैश हो गया, तो R डैश बराबर रो इंटू L डैश बटे पाई R बटे दो का वर्ग, त्रिज्या प्रश्नानुसार त्रिज्या भी आधी हो जाएगी, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर हो जाएगा पाई आर बटे दो, त्रिज्या आधा करने के बाद उसका वर्ग कर दिया गया, तो बराबर यही हो जाएगा, बराबर हो जाएगा रो इंटू एल डैश बटे पाई आर स्क्वायर, और ये जो है बेटा जब इसका स्क्वायर करेंगे तो दो का भी वर्ग हो जाएगा और ये बटे हो जाएगा चार। अगली लाइन में चार पलटेगा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 इंटू रो इंटू एल डैश बटे पाई आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब आपने अभी यहाँ पर ज्ञात किया बेटा कि एल डैश बराबर 4L, अगर एल डैश के जगह पर हम चाहें तो 4L रख दें इसी समीकरण में एल डैश के जगह पर, तब ये हो जाएगा चार गुड़े रो इंटू फोर एल बटे पाई आर स्क्वायर। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं, अतः आर डैश बराबर हो गया यहाँ से बेटा चार चौक के सोलह, चार का गुड़ा हो गया चार में, तो हो गया सोलह गुड़े रो इंटू एल बटे पाई आर स्क्वायर। अब देखें बेटा अगर समीकरण नंबर एक से देखें तो रो इंटू एल बटे पाई आर स्क्वायर का मान पहले जो है प्रतिरोध कैपिटल आर है, तो इतने के जगह पर हम लोग जो है कैपिटल आर लिख सकते हैं,
तो बराबर हो गया 16 गुणे कैपिटल आर, यानी ये पहले के प्रतिरोध का 16 गुना हो गया, 16 से गुणा हो गया। इस तरह से ये आपका नया प्रतिरोध है, अतः आप कहेंगे अतः नया प्रतिरोध आर डैश बेटा पहले के प्रतिरोध आर का 16 गुना हो जाएगा, आर का 16 गुना हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो बेटा वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे तब बातें सारी समझ में आएंगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है लास्ट में ही आते हैं, क्योंकि शुरू में स्टार्टिंग में उसके बेस और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना रहता है। इसलिए आप लोग पूरा से पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए और अपने मित्रों को भी बताइए कि मेन क्वेश्चन जो है लास्ट में है, उनको जरूर। तो इस तरह से आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तब अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, शेष आगे, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपको।